हेलो राधे राधे, आज मैं टेस्टी वाली खिचड़ी बनाना सिखाऊंगी। आप ताज़ा खिचड़ी से बना सकते हैं और रात की बची हुई खिचड़ी से बना सकते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है इस तरीके से बनाने से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। ये मैंने एक कटोरी खिचड़ी ले ली है, रात की बची हुई थी। मेरे पास मटर, लहसुन, आलू, प्याज, दो टमाटर और दो तीखे वाली हरी मिर्च हैं। सब्जी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। ये फ्राई पैन मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और इसमें एक दंगा चम्मच घी डाल दिया। आप घी में ही बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी खिचड़ी बनेगी, तेल में टेस्ट नहीं आएगा। तो आप घी में ही बनाएं इस रेसिपी को। ये घी गर्म हो चुका है और इसमें मैंने हींग डाल दी है। अब इसमें मैं एक टेबल स्पून जीरा डाल दूंगी। जीरा ब्राउन हो गया है, अब इसमें मैं ये प्याज डाल दूंगी। अब प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करूंगी। अब इसमें जो लहसुन लिया था मैंने, उसको मैं बारीक बारीक कट कर दूंगी। ये प्याज हल्का हल्का ब्राउन हो गया, अब इसमें मैं टमाटर डाल दूंगी। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर। और दो तीखे वाली मिर्च। अब इसमें आलू और मटर दोनों एक साथ डाल दूंगी। अब सब्जी को पकाने के लिए इसमें मैं हाफ गिलास पानी डाल दूंगी और इसको ढक के रख दूंगी 5 मिनट के लिए। उसके बाद मैं लीजिए 5 मिनट हो गई हैं सब्जी को छोंकते हुए और आलू हमारे पक चुके हैं।
अब उसको मैं अच्छे से मिला दूंगी और इसमें मैं खिचड़ी डाल दूंगी। ये पूरी खिचड़ी को मैंने फ्राई करके अंदर डाल दिया है और सब्जी के साथ 5 मिनट तक इसको ऐसे ही बिना ढके पकाऊंगी। मेरी सारी सब्जी के अंदर मैंने खिचड़ी को अच्छे से मिला दिया है। अब इसको मैं 5 मिनट ढक के पकाऊंगी। लीजिए 5 मिनट हो गए हैं और खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी वाली खुशबू आ रही है और दिखने में भी बहुत ही टेस्टी लग रही है। और गैस कुकर दिया मैंने बंद। चलिए अब मैं दिखाते हैं इसको निकाल कर। लीजिए हमारी टेस्टी वाली खिचड़ी बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी लग रही है और बनी भी बहुत ही टेस्टी है। एक बार आप भी ज़रूर बनाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी, नई कोई आइडिया, नई कोई गोपाल की ड्रेस के साथ। राधे राधे।